हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक जो होने वाला है क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए। होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। सो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, और प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ NYV का प्राइमर। जेल बेस्ड प्राइमर है, अच्छा प्राइमर है, फेस को अच्छी फिनिशिंग दे देता है। तो और प्राइमर वैसे भी हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ NYV का ही ये फाउंडेशन। अच्छा फाउंडेशन है, लाइट बेस्ड फाउंडेशन है। सबसे पहले तो ये है कि ये लाइट बेस्ड है तो हमें ज़्यादा हैवी नहीं लगता है मेकअप। तो बहुत अच्छा फाउंडेशन मुझे लगा, काफ़ी अच्छे से मर्ज हो गया है। और अभी मैं इसके ऊपर से अप्लाई कर रही हूँ ये ओरिफ्लेम का शाइनर प्लस फाउंडेशन। इसे हम फाउंडेशन में मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आज मुझे थोड़ा शाइन मेकअप चाहिए था तो मैंने इसे ऊपर से अप्लाई किया है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इतना प्यारा ग्लो आता है ना इसे लगाने के बाद। अभी आप देखेंगे कि कितना सुंदर ये इससे मेकअप होता है। ये देखिए कितना ज़्यादा फेस ग्लो करने लगा है। अभी मैं पूरा मेकअप सेट कर रही हूँ फिट मी के कॉम्पैक्ट के साथ, एज यूजुअल जो मैं हमेशा करती हूँ। तो अभी मैं इसे अच्छे से सेट कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा मेकअप, ना बहुत लाइट है बट बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था करने के बाद में। नाउ आई एम यूजिंग दिस पैलेट, ये है ब्यूटी किस ब्यूटी का पैलेट, कंसीलर प्लस हाईलाइटर पैलेट। इसमें से मैंने शेड लिया है ब्राउन शेड। इससे मैं कंसीलिंग बोल सकते हैं आइज को कर रही हूँ, या फिर आइज को ना एक बेस दे रही हूँ जो गोल्डन कलर का, तो वो मैंने कर लिया है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ किस ब्यूटी का ये पैलेट, और सॉरी इसमें से मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर। तो इसे मैंने इन दोनों को अच्छे से कर लिया है मर्ज। ये देखिए कितना सुंदर कलर लग रहा है। अभी यूज़ कर रही हूँ NYV का ये लाइनर, बहुत अच्छा लाइनर है, ओपन नहीं हो रहा था हाथ, थोड़े वो लोशन वगैरह में हो रखे थे। तो अभी मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। ये बहुत अच्छा लाइनर है, मतलब अगर आप बिगनर है तो आप ये मस्ट हैव वाला प्रोडक्ट है आपके लिए। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये मस्कारा जो है मेबलिन का मस्कारा, ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा ये मेरा, मैं इसी को आज अप्लाई कर रही हूँ। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का काजल, जिसे मैंने ओपन किया तो देखा उसमें काजल छिला हुआ नहीं था, बट मैं उसी से फिर यूज़ कर रही थी, जो अच्छा काजल है, मतलब अफोर्डेबल होने के साथ साथ स्टे भी अच्छा करता है। अभी मैंने दूसरी आई पैलेट में से लिया है ये ब्राउन शेड, और इसे मैं थोड़ा सा ना अपनी आईज पे मर्ज कर रही हूँ जिससे थोड़ा स्मोकी फिनिश आ जाए। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा ब्लशर, ओरिफ्लेम का ये ब्लशर है, ब्लशर प्लस हाईलाइटर। तो आज मैं ब्लशर और हाइलाइटर थोड़ा ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि नाइट मेकअप है, और नाइट में थोड़ा ब्लशर हाइलाइटर ज़्यादा हो तो मेकअप और ज़्यादा निखर के आता है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाले पैलेट में से हाइलाइटर, और हाइलाइटिंग कर रही हूँ बहुत अच्छे से। जैसे मैंने पहले बताया, मैं हाइलाइटर और ब्लशर आज कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रही थी, बट ट्रस्ट मी गाइज, बहुत सुंदर मेकअप लग रहा था ये। ये देखिए मैंने अच्छे से अपने पूरे फेस को कर लिया है मेकअप को, जहाँ जहाँ मुझे नीड लग रही थी पूरे फेस पे हाईलाइट, और रेड लिपस्टिक मैंने यूज की है। सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट डाउन कीजिएगा कि आपको ये वाला मेकअप लुक कैसा लगा, जिसमें मैंने बहुत लाइट मेकअप किया है बट बहुत ज्यादा ट्यूबलाइट की तरह से शाइन कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।